माता दी राम राम नमस्ते। कैसे हैं सभी, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं दोस्त गहलाव स्वागत करती हूँ आपके अपने एस जी ब्लॉग्स टेरिस गार्डनिंग के एक और नए ब्लॉग्स में। टाइम हो गया 6:10। फ्रंट कैमरा चंदना है, बैक कैमरा अंधेरा है, पता नहीं क्या होता है। बैक कैमरे से ले तो थोड़ा अंधेरा लगता है और फ्रंट से ले अपना चंदना है थोड़ा हा, पर टाइम इतना ही हो जाता है। चाहे 5 बजे उठ लो, चाहे 5:15 उठ लो, टाइम उतना ही होता है। अब नवरात्र में 5 बजे का करया हुआ उठने का, पर काम कर आती हूँ मैं नीचे जाके, फिर एकदम दबाव सा ना हो ना, कुछ काम निपटा आती हूँ आधे पौने घंटे में। और मेरे से जिन के पत्ते तो आए नहीं, एक टहनी में पत्ते आए हुए हैं, इधर से डंडा खड़ा दिखे ना, थोड़े पत्ते हैं और फूल ज़्यादा बनेंगे। क्या बात है इसकी, पिछली बार यो सही था, अरे अरे अब की बार वो पत्ते झड़ने के बाद, जैसे सर्दियों में होता है ना, डोरमेसी में जाने के बाद पत्ते झड़ गए, अब फूल बने हुए हैं एक टहनी पे। फूल पहली बार देखे ना इनकी, वह देखी हैं सहजन की फलियाँ, पर ये फूल वाला सिस्टम मैंने पहली बार देखा सहजन पे, सहजन जो मोरिंग। जैसे आज थोड़ी ही जल्दी थी ना, इस टाइम पे चिड़ियों की आवाज़ कितनी तेज़ आ रही है, ये मैं आवाज़ नहीं आजकल इसकी बंद करती ना, नेचुरल जो आवाज़ आती रहे ना वो भी ठीक है, और मैं ऊपर से अपने भी दे देती हूँ, अच्छा लगता है इस तरह उनकी भी सुनता रहो। क्यों इस टाइम पर सारे पक्षी जाते हैं, तोते भी इतने होते हैं हमारे, पूरे राउंड लगाते हैं। अब जो नीम कड़े हैं यहाँ कोयल भी आने लगी, इस टाइम तो नहीं, थोड़ी देर पहले कोयल भी बहुत बोल रही थी, और उधर से फिर मोरों की भी आती है, ये सारे बोलते हैं। जब मैं तो एक बार योगा छोड़ कर नरी नहीं कोई देखने लग जाया करूँ, बैठ कर ना अपना योगा ही छोड़ देती हूँ इनके चक्कर में। और सबसे अच्छा लगा करें मोरों को, मोर सारे इकट्ठे एक बार में बिल्कुल नहीं बोलेंगे, एक बार एक बोलेगा, एक फिर दूसरा बोलेगा, और यूँ भी नहीं है वो बोलते ही रहते हैं, इतने शांत रहते हैं, वैसे बैठे रहेंगे देखे जाएंगे यूँ ही रहते हैं। तो चिड़िया है जैसे तोते हैं, ये तो बिल्कुल चुप ही नहीं होते, लगे ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, पर इनका मैंने ऐसे देखा है जैसे मैं छत पर थोड़ी ही यूँ चुप जाती हूँ ना, जब बोलते ही है, जब शायद एक दूसरे को बुलाते हैं वैसे नहीं बोलेंगे, यूँ देखते ही रहते हैं भी जाएगी जब हम बोलेंगे या आएंगे तभी होता है, वैसे नहीं, इतना शांत वैसे पक्षी मैंने देखा नहीं है कभी। टाइम हो गया 7 बजे, धूप भी निकल गई, तेज निकली हुई है, और आपको पेट बांध गए ना, पेट वाली एक्सरसाइज करेंगे, एक एक किलो के पेट बांध रही है। घर में 2 कुत्ते पाले रहे, दोनों इतना भूखते हैं ना, छिड़ जाम है जब तो इतने भूखे रुक के ही ना। मेरी किलो एक ही बेल के अब की बार अब तक पत्ते नहीं आए, 2 ही पत्ते आए हैं ना, हर साल आ जाया करते, हरी हो जाया करते यूँ सूखने के बाद, अब की बार तो सूखी ही पड़ी है, 2 पत्ते अब स्टार्ट हुए आने। क्या बात है, पर मोटी हो रही है, पुरानी होगी ना, कई साल पुरानी है, इस करके भी नहीं आती होगी, ज़्यादा मोटी हो रही है, काटा करूँगी इसने भी, सुबह सुबह पी ले ना, कूट कर ना पी लिया करूँगा, तो फ्रिज में रख ले जाऊँ, काट कर ना डेली, तो ऊपर याद रंधा नहीं, अच्छी टहनी काट लूँ, इतना पीस कूटूँ और उसका ऊपर पानी में और पी जाए, चाय ही बना कर ना, अच्छी हो है बुरी, तो फिर चलते हैं फटाफट, एक बार निपटवा दूँ जो भी काम है। जो बायो एंजाइम बनाया था ना, इसकी गैस निकाले, एक दिन छोड़ के एक दिन अड़की ही खोल लिया करें, किस तरह आवेगा निकलते, ये ऊपर की तरफ आवेगा ना इसकी गैस निकलने से, इस तरह एकदम ढक्कन खोल देंगे तो सीधा ऊपर जाओगा, और कई दिन नहीं निकालेंगे तो यह बोतल फट जाएगी। परसों निकाली थी, कल नहीं निकाली, परसों बहुत ज़्यादा बनी हुई थी, एकदम आया था मेरा भी ढक्कन, फिर मैंने खोलिया नहीं था ना, ये भी धीरे धीरे निकलती रहेगी, जो ये बुलबुले हैं बना है ना सफ़ेद से, इस तरह निकालनी होती, पर बना बहुत अच्छा है, यूं उठा है ना, जिस तरह वो डीकम्पोस्ट होते वो ऊपर नीचे पानी कैंपा की तरह, जैसे कैंपा का पानी होता है गैस, ऊपर नीचे उस तरह होता है। जिनकी कटिंग लगाई थी ना गुलाब गुलूब की, सबकी ग्रो कर रही है, इधर छाया में रखे, सुबह सुबह वाली इस टाइम वाली धूप आती है, सबके पत्ते आ गए सारी कटिंगों के, फिर यह गमले में करूँगी, 1-2 महीने बाद करूँगी, पूरी तरह हो लेंगे सब, ये सारी कटिंग आए वाले हैं जितने भी हैं, सब पे आए हुए हैं, 1-2 पे नहीं आए हुए। भिंडी धो के गई थी अभी, न काटों सूख गई ना, सुबह धो जाओ और कपड़े में रख जाओ ना, सारी सूखी पामा है, फिर वह पानी हाँ नहीं छोड़ती, क्यों मैं भरती हूँ और तो भरती नहीं। इनके लिए तो बनाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, साढ़े 8 हो रहे हैं, लेट होगी, नहाई तो ही नहीं हूँ, फिर सोचा सब्जी बना कर टिफिन पैक करके फिर आराम से नहाएगा ना, जोत बत्ती करूँगी, किचन का काम बाद में करूँगी, फिर जल्दबाजी में ना तो ढंग से जोत बत्ती होती ना हो, मैं पहले ये काम निपटा दूँ फिर करती हूँ, और काम मेरे ज़्यादातर हो ही गए, यही रह रहे हैं अब तो, किचन वाले ही रह रहे हैं,
कपड़े भी नहीं धोए आज, मैंने कल लगा दी थी मशीन, आज नहीं लगाई, खुली की लगाऊंगी वो तो मैं बता भी रही थी, दूसरी में मैं धोऊंगी नहीं, इतना नवरात्र हैं, फिर 10 मिनट में नहाकर नर कर लूँगी, पर होती नहीं वो ढंग से नहीं होती, बस फिर तो भी वहाँ लाया आरती करी फटाफट फटाफट, ध्यान ही धरी रहता है फिर तो ना, काम पड़ा है, मैं आराम से ही करूँगी, नोड़िए सब्जी में ये चीज़ें होते हैं फिर कर लो ना, फिर और काम करती रहूँ, भिंडी बनाने लग रही हूँ, थोड़ी देर में ऐसे खुलिए पका करो, कहीं देखते भी हैं, कईयों को पता भी है, जो पुराने जो हुए हैं उनको तो पता भी होता है, लोहे वाली कटाई में थोड़ी देर खुली में, बस 2 मिनट तक होंगी, उतनी देर में बन जाती हैं, 5 मिनट लगती हैं भिंडी बनाने में, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, खुले में थोड़ा कलर यही रहता है, जो नॉर्मल होता है भिंडी का ना, ये वाला ही रहता है। टाइम हो गया 10:15 हो गए, अब पूजा करके ना अगर जोतबत्ती करके भरी हो रही हूँ, किचन मेरी यूँ की यूँ पड़ी है और सारे काम कर रखे हैं, किचन में लगा का घंटा, पहले हम अपनी पेट पूजा कर लेते हैं क्यों, फिर लेट हो जाते हैं, कल भी भरते थे और आज भी भरती थी, अनाज खाए जो तब भी एनर्जी रहती है, तो एनर्जी नहीं थी, भूख लगी हुई थी, मैं पहले पेट पूजा कर लेती हूँ, एक मग्गा तो लाई हूँ, एक कप तो लाई हूँ दूध का, और एक ले आई हूँ चौलाई का लड्डू, लड्डू बहुत बड़ा है, और अपने ड्राई फ्रूट और एक चीकू काट के लेके आई हूँ, चीकू अच्छे आए हुए हैं आजकल, चाय कॉफ़ी नहीं ले, एक मग्गा दूध का अपने साथ में, ड्राई फ्रूट के साथ, फ्रूट के साथ एक लड्डू हो जाएगा। कभी मैं डाइट लेती थी ना, जब 9-10 साल पहले की बात है, मैंने डाइट ली थी, कभी भी चाय नहीं दिया करती दूध के साथ, नवरात्रा में ना चौलाई का लड्डू देती थी, और वो भी एक दो नहीं देती थी कभी भी, कई बार याद आ जाती है चुलाई के लड्डू, ये स्वाद भी हम नवरात्रि में लगते हैं, अगर न बच जाते हैं जब नवरात्रि के बाद नहीं अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्या बात है, बचते हैं ये हमेशा, फिर क्यों नहीं खाने को दिल करता, यह भी करता है। नमक और वो एक बार ही खाती हूँ मैं, नमक नहीं खाती, वो दोपहर को ही लेती हूँ मैं, कोई रोटी बनानी है, चीला बनाना है, कुछ भी बनाना है, दोपहर को शाम को नहीं लेती, क्यों हैवी होता है, तो दिन में वो डाइजेस्ट भी हो जाता है, हल्का रहता है, फिर रात का खाया हुआ फिर डाइजेस्ट नहीं होकर देता, तो इसलिए मैं दिन में ही लेती हूँ, दिन में देखूँ फिर क्या बनाऊँगी, बनाना जो मैं बनाऊँगी वही बेटा खाएगा, फिर हमारा तो यही है मम्मी बेटा का। सा टाइम हो गया तो ये अपना घुसा हूँ किचन में, आज तो बाहर गमले में सारे गमले ऊपर चढ़वाए, जितने भी उस दिन ठा के ले आए थे वो नीचे ही पड़े थे ना, कुछ मिट्टी के कट्टे थे सारे को फैला पड़ा था ना, थोड़ी 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 मिट्टी सारी उठवा कर सारा कुछ छत पर चढ़वाया, फिर वहाँ को सफाई करी तो काफ़ी टाइम लग गया ना, क्यों कई दिन हो गए थे वो पड़े हुए थे, वहाँ मिट्टी ही जम जाती है उनकी, वो साफ कर 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 ना सारे टंगवा दिए हैं ऊपर, ऊपर कुछ नहीं जड़ेगा ना उनका, फिर उससे रगड़वा रगड़वा कर तो सारा करा, इसीलिए आज उसमें बिजी होगी मैं, अब अपनी लंच की तैयारी करती हूँ, सुबह वाले बर्तन भी नहीं लगाए हैं, वो लगाऊँगी ना पहले तो वो लगाऊँगी, लंच मैं बना रही हूँ कुट्टू में घिया डाल के, कुट्टू के आटे में चिल्ला बनाऊंगी या रोटी बनाऊंगी, देखते हूँ बेटा भी खाएगा तो वो क्या खाएगा, रोटी खाएगा, दोनों ही सॉफ्ट बनती है, रची भी लगा है, और पनीर की भुर्जी बनाती हूँ, और एक आया है कोरियर, कोरियर मंगवाया तो वहाँ जी मैं खजूर मेरी, अब उसमें कोल्ड कॉफ़ी में या समोदे में जिसमें भी और मीठा खाने को मन करता है तो एक खा लिया करूँ मैं, ख़त्म पर जल्दी कर दें, हमारे बिना बीज के होते हैं बगैर बीज के सोप से होते हैं, इनको भी घूमने की भी जरूरत नहीं होती, समोदे या कॉफ़ी बनाते हैं जब हाथ से ही टूट कर नर्ज भी ब्लाइंड हो जाता है, तो चलो बने रही हो साथ में बना लेती हूँ, पहले तो बर्तन लगाती हूँ फिर भुजी से स्टार्ट करती हूँ, सुबह वाले जो धोए हुए बर्तन थे क्यों उधर बिजी थी मैं, बाहर बिजी थी तो गया कसली, 2-3 हरी मिर्च कूट ली और थोड़ा हाँ नमक डालूंगी इसमें, नमक वाला थोड़ा ठीक लगेगा ना, फिर कुट्टू का आटा चिल्ला हा टाइप बनाऊंगी, रोटी नहीं बनाऊंगी, पूरी वेज थाली तैयार होगी ना, लौकी का और कुट्टू का चिल्ला, सैलेड और रायता, मैंगो का रायता, मैंगो डाला है नमक नहीं डाला, और भुजी, नवरात्रि स्पेशल थाली पर देखूंगी ना, एक के खाया जाएगा, एक तो वो रहा उधर तवे पर पड़ा हुआ है तो एक उधर है डाला हुआ है, तो वे पे सेकने लग रहा है, पर बेटा कह रहा है एक ही काफ़ी है तो मैं तो एक ही लेती हूँ, पहले तो स्टार्टिंग में तो मेरे जब उसी से नहीं खाया गया तो फिर मेरे से वैसे ही नहीं खाया जाएगा। टाइम हो गया 4 बज गया ना, 3 बजे ही इतनी गहरी नींद आई ना, 1 घंटा सारा तो चाय देने में भी थोड़ी लेट हो रही हूँ, 3:30-4 बजे दे दिया करूँ, तो नैपी ही आया करती, तो आज तो इतनी गहरी आई पता नहीं क्या बात ना, पहले हो रहा था मैंने कहा जैसे मैं सो जाऊँ, पहले रोटी राटी बनाने से पहले थोड़ा सुस्त सी हो रही थी,
तो फिर वो 3 बजे ही 2 बजे ही कोई आ गया, फिर 3 बजे ही सो करना रहे, इतनी पता ही नहीं लगा ना लेटे पीछे तो कहाँ पड़ी हूँ कहाँ लेटी हुई हूँ, यही नहीं था ना इतनी गहरी उठी एकदम जाग आई है। फिर अब चाय रख के आई हूँ, खड़े होने को भी दिल नहीं कर रहा था, मम्मा तो इंतज़ार कर रही होगी चाय की थोड़ी ही, दिन में रोटी नहीं खाई थी आज उसने, दिन में खाती ना खिचड़ी खाई, ना खिचड़ी खाई ना फ्रूट लिए, दूध लिया करती वो दूध भी नहीं लिया, तो आज चाय और आज मांगी थोड़ी ही चाय। ठीक है वैसे तो यूँ कोई दिक्कत नहीं है, पर वो दवाई छाले छुड़े हो रहे हैं तो उनके कारण नहीं ले हुए थी, ठंडा दूध ही ले हुए थी, तो आज थोड़ी सी मांगी है तो थोड़ी ही दे के आती हूँ, रख क्या रही हूँ उसकी बनने के लिए, मेरी बाद में बनाऊँगी क्योंकि उसकी मीठी होती है मेरी फीकी होती है, मीठी मीठी नहीं बहुत ज़्यादा मीठी होती है, और मेरे को वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगा करती। और मेरा तो किसी दिन वैसे मन भी करता कॉफ़ी काफ़ी मैं डालती हूँ तो धागे वाली थोड़ी सी मिश्री डाला करूँ, चीनी वाली तो मेरे को बिल्कुल भी मीठी अच्छी नहीं लगती चाय, पता नहीं मैं तो कहीं डाला करूँ ना उस दिन मेरा दिन ही ख़राब होया करे मीठी पीने से, मेरे को नहीं आ रही है इसकी करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा मीठी, 3 चम्मच ज़्यादा से ज़्यादा डालनी पड़े ना जब तक उसके होठ चिपड़े नहीं होंगे जब तक नहीं पियोगी। तो ब्लॉक की भी एंडिंग कर ही देती हूँ, बार 12 मिनट से भी ऊपर चला जाता है ना ज़्यादा ही हो जाता है। कल मिलते हैं फिर, नया दिन नई शुरुआत, जय माता दी जय श्री राम।